हाय मदन चालके में आपका स्वागत है। जैसे ही हमारे पीरियड मिस होते हैं और हम प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं और हमारा पॉजिटिव निकलता है तो हमें कितनी खुशी होती है, उस खुशी को जो हम पूरी जिंदगी भर नहीं भूल सकते हैं। हो सकता है मेरी तरह आपने भी वो टेस्ट दो बार किया हो ताकि हमें कन्फर्म हो जाए कि हमें प्रेगनेंसी पॉजिटिव है। तो उसके बाद सबसे पहला सवाल जो हमारे मन में आता है वो ये कि अब हमें डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए और जब हम डॉक्टर के पास जाएंगे तो हमें क्या क्या बातें बताना जरूरी रहेगा और क्या क्या डॉक्टर हमसे पूछेंगे और क्या क्या हमें जो है डॉक्टर से उम्मीद करनी चाहिए, इन सब के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो जैसे ही आपको प्रेगनेंसी का पता चलता है तो आपको एक दो दिन के अंदर अंदर ही डॉक्टर को विजिट कर लेना चाहिए। पहले कुछ लोगों की मान्यता होती थी कि आपको शुरुआती 3-4 महीने तक डॉक्टर को दिखाने की जरूरत नहीं होती है क्योंकि उस टाइम बेबी जो है बहुत ही छोटा रहता है, कोई भी मेडिसिन की जरूरत नहीं है। तो देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं है, जैसे ही आपको पता चले तो आपको डॉक्टर को विजिट कर लेना चाहिए। अब बात आती है कि आपने डॉक्टर को क्या क्या बताना है। तो मैं एक बात बताना चाहूंगी कि आपको डॉक्टर को बिल्कुल सही बात बतानी है, कोई भी गलत बात ना बताएं, जो भी आपके साथ एक्चुअल में हुआ है वो चीजें आपने डॉक्टर को शेयर करनी है। सबसे पहली बात तो यही बतानी है कि आपकी जो प्रेगनेंसी है वो नेचुरल रूप से कंसीव हुई है या फिर कोई आपका इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट चल रहा था। कि अगर आपकी इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट चल रहा था उसके थ्रू आपने कंसीव किया है तो उस केस में ज्यादा केयर की जरूरत होती है, हार्मोनल टैबलेट ज्यादा देने की जरूरत होती है, तो वो आपने जरूर बताना है। सेकेंड ये बात कि आपकी क्या ये पहली प्रेगनेंसी है, इससे पहले आपका कोई अबॉर्शन या कोई मिसकैरेज तो नहीं हुआ था। अगर आपका कोई भी मिसकैरेज या अबॉर्शन हुआ था तो कितने महीने पहले हुआ था, कितनी बार हुआ था और इसके पीछे रीजन क्या था, यानी आपने खुद से अबॉर्ट करवाया था या फिर अपने आप ही अबॉर्ट हो गया था और आपका ये कौन सा बेबी है, इन सब के बारे में आपने बताना है। अगर आपका पहले कोई बेबी है तो वो नॉर्मल डिलीवरी से हुआ था या फिर सी सेक्शन से हुआ था, उसमें कोई भी प्रॉब्लम आई हो जैसे कोई अमनोटिक फ्लूड की या फिर कोई भी ब्लीडिंग वगैरह की जो भी पहले प्रॉब्लम आई थी वो सब आपने शेयर करना है। थर्ड इम्पोर्टेंट बात कि अगर आप कोई भी मेडिसिन ले रहे हो, जैसे आपका कोई बीपी की मेडिसिन चल रही है, आपका कोई शुगर की मेडिसिन चल रही है, आपके कोई थायराइड की मेडिसिन चल रही है, किसी भी प्रकार की अगर आप मेडिसिन ले रहे हो तो वो आपने डॉक्टर को बताना है क्योंकि प्रेगनेंसी में आपकी मेडिसिन सब चेंज हो जाती है क्योंकि प्रेगनेंसी में जो है सिलेक्टेड मेडिसिन ही होती है जो बेबी के लिए सेफ रहती है, तो इसलिए वो चेंज करने की जरूरत पड़ती है। अगर आपके पास में कोई भी सर्जरी हुई हो तो वो भी आपने डॉक्टर को सब बता देना है। अब बात करते हैं कि डॉक्टर आपसे क्या क्या पूछेंगे, डॉक्टर से आपने क्या उम्मीद करनी है। तो सबसे पहली चीज तो ये कि डॉक्टर आपकी सोनोग्राफी करवाएंगे यानी अल्ट्रासाउंड आपका करवाएंगे। वो 1.5 या 2 महीने के बिटवीन आपका कभी भी अल्ट्रासाउंड करवा सकते हो और ये आपको डेफिनेटली करवाना चाहिए, बहुत ही जरूरी रहता है। इससे आपको पता चलेगा कि बेबी में दिल की धड़कन है वो आ चुकी है या फिर नहीं आई। अगर मान लो दिल की धड़कन आ चुकी है तो आपको कन्फर्म हो जाएगा कि आपका प्रेगनेंसी है और आपका बेबी है वो प्रॉपर ग्रोथ में है, बिल्कुल सही है आपका बेबी। सेकेंड इससे डॉक्टर देखते हैं कि आपका बेबी यूट्रस में यानी बच्चादानी में ही है या फिर कहीं और जगह तो नहीं है, जैसे यूट्रस के अलावा कहीं भी फैलोपियन ट्यूब या अदर लोकेशन में रहता है तो उसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं और उस केस में इमिडिएटली सर्जरी करनी पड़ती है, तो ये भी आपके लिए जानना बहुत ही जरूरी रहता है। तो डॉक्टर जो आपका HB चेक करवाएंगे कि आप में खून की कमी तो नहीं है, आपका शुगर लेवल चेक किया जाएगा, आपका थायराइड चेक किया जाएगा, आपका HIV टेस्ट है वो किया जाएगा, आपका BP मेजर किया जाएगा, आपका वेट जो है वो भी मेजर किया जाएगा कि आप प्रेगनेंसी में आए हैं तब कितना वेट है और पूरी प्रेगनेंसी आपने कितना वेट गेन किया है। जैसे पूरी प्रेगनेंसी में आपको लगभग जो 10-12 किलो वजन गेन करना जरूरी रहता है बच्चे के विकास के लिए। और जो डॉक्टर आपसे पूछेंगे आपको कोई नोजिया वोमिटिंग तो नहीं है, आपको कुछ उल्टी वगैरह हो रही, क्योंकि शुरुआती 3 महीनों में नोजिया वोमिटिंग होना बहुत ही आम बात रहती है, डॉक्टर उसके लिए आपको मेडिसिन देंगे और फोलिक एसिड तो आपको डेफिनेटली देंगे। अगर आपका सब कुछ सही भी है तो भी आपको दी जाएगी और वो आपने लेना भी जरूरी रहता है क्योंकि इस सबके बेबी का जो है प्रॉपर डेवलपमेंट रहता है और जो न्यूरल ट्यूब के डिफेक्ट आते हैं वो शुरुआती 3 महीने में आते हैं, तो आपके बेबी में वो सब प्रॉब्लम नहीं होगी। तो फोलिक एसिड बहुत ही छोटी सी टैबलेट होती है, वो आप रेगुलर बेस पे जरूर लिए। अदर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप डॉक्टर को बता सकते हो, उस चीज की डॉक्टर आपको मेडिसिन दे देंगे। और आपकी अच्छी अच्छी हैबिट्स के लिए डॉक्टर आपको बोलेंगे कि क्या क्या आपने खाना
खाना पीना है क्या नहीं खाना पीना है और कितना रेस्ट करना है, पानी भी आपने ज्यादा पीना है, तो ये सब आप फॉलो कीजिए क्योंकि आप हेल्दी रहोगे तभी आपका बेबी हेल्दी रहेगा। तो प्रेगनेंसी की शुरुआत में ही आपको ध्यान रखना है ताकि आप जो है किसी प्रकार का आपको वीकनेस फील ना हो, आप बिल्कुल हेल्दी फील करो, एनर्जेटिक फील करो, आपको बेबी बहुत ही तंदुरुस्त पैदा हो। तो इसलिए खाने पीने का हर चीज का आप ध्यान रखें। तो ये थी आज की वीडियो, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक जरूर करना। अगर अब भी आपका कोई भी सवाल रह गया हो तो जो आप डॉक्टर से नहीं पूछ सकते हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, अब मैं उसका रिप्लाई करने की जरूर कोशिश करूंगी। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।